हेलो गाइस, हियर आई एम अंकित दाकर। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मारुति सुजुकी बलेनो। पर्सनली ये जो वेरिएंट है अल्फा वेरिएंट, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, इससे ऊपर इसमें कुछ भी नहीं आता और ये ऑटोमेटिक है, तो इससे ऊपर तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा मारुति में बलेनो लाइनअप में। तो इसमें देखते हैं आपको क्या क्या फीचर मिल जाएगा। इसकी जो सिबलिंग आती है टोयोटा ग्लेंजा, क्योंकि सेम कार आपको सिर्फ टोयोटा के बैच के साथ और नए नाम के साथ बिकती है। तो देखते हैं इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। शुरुआत करें इसके फ्रंट से, तो फ्रंट में आपको इसके से कुछ प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है, जो कि बेस मॉडल से आपको कंटिन्यू मिलता है। लेकिन इसमें आपको यहाँ पे आपको DRL मिल जाती है, जो कि 3 point DRL, इसमें आपको कंटिन्यू DRL नहीं मिलती, इसमें आपको 3 point DRL मिलेगी। जो कि इसकी जो सिग्निफिकेंट ग्लेंजा है उसमें आपको कंटिन्यू DRL मिलती है ऊपर से लेकर नीचे तक। यहाँ पे आपको क्रोम गार्निश मिल जाती है, इस साइड से लेकर उस साइड तक आपको कंटिन्यू मिलेगी। यहाँ पे आपको ज़्यादा मारुति का लोगो, ये नीचे आपको नंबर प्लेट जैसे डेमो व्हीकल है, तो इसका जो सब कुछ कंप्लीट है। यहाँ पे आपको जाते हैं फोगलेम, जो कि टॉप मॉडल है, जिसमें आपको फोगलेम यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे आपको इसके जो मिल जाती है, यहाँ पे आपको क्रोम गार्निश मिल जाती है दोनों साइड। यहाँ पे आपको थोड़ी सी बम्पर आपको ये सब कुछ दिखता है। अब चलते हैं सीधा साइड में, साइड से देखने में कार कुछ ऐसी नज़र आती है, जो कि इसमें आपको काफ़ी अच्छे लुक्स के साथ कार आती है। मैंने बात करें इसके टायर प्रोफाइल की, तो टायर प्रोफाइल जो आपने स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आपको मिलते हैं अपोलो के टायर, जो जिनकी टायर प्रोफाइल है 195/55R16, मतलब इसमें आपको 16 इंची के टायर मिलते हैं। वहीं आपको जिमनी, उसमें भी 15 इंची के टायर ही कंपनी ने दिए हैं। सब कुछ दिखता है आपको उसके डिस्प्ले, जो ये डेमो व्हीकल है, तो इसका जो कलर जो आप नई से एक्सपेक्ट ना करें, मतलब डेमो व्हीकल का वीडियो बन रहा है, तो उस हिसाब से इसमें आपको जगह जगह जंग भी दिखेगी, गंदी भी दिखेगी गाड़ी, तो इसको आप थोड़ा अवॉइड करें। पूरा टायर प्रोफाइल दिखा चुका हूँ। इसमें आता है आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, जिसमें आपके कैमरा आपको नीचे मिलेगा और यहाँ पे आपको ओवर व्यू सब कुछ मिलता है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर इसमें मिल जाता है यहीं पे, तो यहीं पे आपको क्रोम गार्निश मिलती है, पीछे तक कंटिन्यू मिलेगी पूरी। यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल मिल जाते हैं, क्योंकि टॉप मॉडल है, तो आपको क्रोम डोर हैंडल यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर, मारुति में आपको दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, ह्यूंडई में आपको सिंगल साइड रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। यहाँ पे आपको पैनल मिल जाता है, जो आपको 3 पिलर, तीनों पिलर आपको ब्लैक मिलेंगे। यहाँ पे आपको पीछे अच्छा लगता है, मतलब इसके आउटसाइड से इसमें जनरेशन वाइज कोई ज़्यादा कुछ इतना अपग्रेड नहीं किया, लेकिन इंटीरियर से बहुत ज़्यादा अपग्रेड है, वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। जो सारा वीडियो आपने यूट्यूब पे देख भी लिए होंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार जरूर देखिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे आपको LED टेल लैंप मिल जाता है, जिसमें आपको ऐसा कुछ शेप मिलता है। यहीं पर आपको नेक्सा के अंडर आती है, तो नेक्सा की ब्रांडिंग, सुजुकी का लोगो, यहाँ पीछे आपको कैमरा मिल जाता है, वाइपर मिल जाता है, डिफोगर मिल जाता है, बलेनो की ब्रांडिंग। यहाँ पे आप कुछ बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, तो इसका जो बूट स्पेस है वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है, यहाँ पे आपको अंदर कुछ डेमो व्हीकल है, तो कुछ इसमें पड़ा हुआ तो अपन चेक करने वालों में से नहीं है। यहाँ पे आपको पीछे से बाहर देखने में काफ़ी गंदी हो रही है, क्योंकि डेमो व्हीकल है, तो आपको ऐसा ही कुछ इसकी कंडीशन मिलेगी। पीछे बलेनो की ब्रांडिंग, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, चारों पार्किंग सेंसर। यहाँ पे आपको फ्यूल लिड मिल जाता है, जिसकी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। अब चलते हैं सीधा कार के अंदर, अंदर आपको क्या फीचर मिलते हैं उन सबके हम बात कर लेते हैं। अब चलते हैं कार के अंदर, पहले बात करते हैं डोर की, तो इसमें आपको ऐसे कुछ यहाँ पे विंडो का कंट्रोल मिल जाते हैं, आपको 4000 पावर विंडो मिल जाती है, जिसमें फर्स्ट और टॉप डाउन है। यहाँ पे आपको क्रोम में डोर ओपनर मिलता है, लॉक अनलॉक का बटन, लेफ्ट राइट इसमें इलेक्ट्रॉनिकल ऑटो फोल्ड और भी आपको पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको लेदर फिनिश मिल जाती है, जो कि आपको जो बेस से ऊपर वाला वेंट है उसमें आपको जो फाइबर वाली मिलती है, लेकिन इसमें आपको लेदर फिनिश यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे आपको कॉइन होल्डर मिल जाता है, जो आपको डोर हैंडल का काम भी करेगा। बोतल होल्डर, यहाँ पे स्पीकर के लिए जगह मिल जाती है। इसमें आपको यहाँ पे आपको इल्यूमिनेशन कंट्रोल के बटन मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रैक्शन, यहाँ पे आपको हेडलैम्प लेवलर मिल जाता है, यहाँ आपको 360 डिग्री ट्रैक्शन ऑन ऑफ, यहाँ पे आपको इंजन ऑन ऑफ, इंजन स्टार्ट ऑन ऑफ, इंजन स्टार्ट स्विच मिल जाता है। यहाँ पे आपको मारुति का लोगो, स्टेयरिंग ना बोले ना सब कुछ, आपको उसका स्टेयरिंग व्हील, यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाते हैं, तीनों फोर कॉल को वॉइस किंग माइंड यहाँ पे मिल जाता है इसको आपको, इसमें आपको सनरूफ नहीं मिलती है। वहीं पे आपको यहाँ पे इसका जो स्टेयरिंग व्हील कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे आपको लेदर रिप्ड स्टेयरिंग व्हील मिलेगा, इसमें आपको 220 तक मार्किंग मिल जाएगी। फ्यूल गेज आपको नीचे ही मिल जाए, 8000 तक मार्किंग, क्योंकि पेट्रोल वेरिएंट है, बलेनो डीजल में आती नहीं है। यहाँ पे आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऐसा कुछ मिलता है, यहाँ पे आपको ट्रिप है, ट्रिप भी कितनी रनिंग हुई है अभी तक, ये सब आपको यहाँ पे पता चलता रहता है। इस साइड आपको जो इसके ड्राइव टाइम वगैरह ये सब आपको इस साइड से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, ये सब आपको इसमें पता चलता है। जैसे उसका बीट और जो उसका टैकोमीटर वगैरह ये सब जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता चल जाएगी, तो सब कुछ इसका यहाँ पे मिलता है। इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जो कि बेस से ऊपर वाले वेरिएंट से आपको कंटिन्यू हो जाता है। जैसे ऑटोमेटिक वेरिएंट जैसे मैं बोल रहा था, ऑटोमेटिक आपको इससे ऊपर कुछ भी नहीं मिलता है, तो वही इसमें आपको मिल जाएगा। जैसे ऑटोमेटिक है तो इससे ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको बोनट खोलने के लिए, यहाँ पे आपको फ्यूल लीज खोलने के लिए, यहाँ पे स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, कोइन वगैरह कुछ रखने के लिए। और तो इसमें आपको 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिसका टच रिस्पॉन्स काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब जैसे मैं भी आपको होम पे जाके दिखाता हूँ। तो आपको अच्छा खासा इसका टच रिस्पॉन्स अच्छा खासा यहाँ पे आपको मिलेगा, जैसे भी सेटिंग्स, जैसे हम यहाँ पे इसका जो म्यूजिक सिस्टम है वो सब हम यहाँ पे कर सकते हैं, तो आपको अच्छा खासा इसका जो सिस्टम मिल जाता है। अब चलते हैं सीधा पीछे, यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, पहले आपको यहाँ अंदर अंदर सारे
डे नाइट IRVM ऑटो मिलता है यहाँ पे आपको, सनवाइजर ऐसा कुछ मिलता है यहाँ पे, उस साइड भी आपको वैनिटी मिरर मिलेगा, यहाँ पे आपको लाइट का कंट्रोल मिल जाता है, इसमें आपको यहाँ पे पीली लाइट ही मिलेगी, इस साइड आपको मिरर मिल जाता है, यहाँ पे आपको डोर ग्रेब हैंडल मिलता है ऑटोमेटिक, तो इसमें आपको जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन उसकी डिटेल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको कैसा कैसा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। यहाँ पे आप उसको मिल जाती है हैंड ब्रेक, यहाँ पे आपको आर्मरेस मिल जाता है, वहीं इस साइड आपको यहाँ पे USB पोर्ट मिल जाता है, इस साइड 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, आप चलते सीधा इसमें आपको जैसे ऑटोमेटिक है तो उसमें आपको 2 पेडल्स मिलेंगे, आप चलते सीधा पीछे आपको ये मिलता है, उसके बाद कर लेते हैं तो एक बार पीछे का स्पेस देख लेते हैं, पीछे कैसा क्या स्पेस है, आगे की सीटों में अपने हिसाब से एडजस्ट कर ली है, तो पीछे देखते हैं पीछे कैसा क्या स्पेस आता है। हाइट कितनी है आपकी? मेरी 6 हाइट है और एकदम कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल एकदम ठीक ठाक कंफर्टेबल एकदम, तो आप 3 जना आराम से बैठ सकते हो, इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। तो यही कुछ था इसका पीछे का जो रिव्यू है, ये तो हो गए कार के सारे फीचर्स की बात। अब हम बात करते हैं कार के जो इंजन स्पेक्स है, तो इस कार में आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि आपको 89 BHP की पावर जनरेट करके देता है, और उसमें आपको 113 यानी कि 113 NM का टॉर्क मिलता है। और उस कार की जो प्राइसिंग है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। आपको कार कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।